हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी। माय नेम इज़ कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स के दो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स कवर कर रखे हैं। आज हम लोग जो लेक्चर लेने वाले हैं उसमें रे ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाएंगे और रे ऑप्टिक्स से कुछ और इम्पॉर्टेंट वेरिएशन कवर करेंगे। सो जैसा कि अभी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस, तो उसी की कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अपन लोग एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बढ़िया सा, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलने वाले हैं, रोटेशन ऑफ रेज। क्या बोलने वाले हैं? रोटेशन ऑफ रेज। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो अपन को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ पूरा फोकस करते हैं। रोटेशन ऑफ रेज का कॉन्सेप्ट हम लोग चालू कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान देते हैं। रोटेशन ऑफ रेज क्या कहता है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए मान लीजिए कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा प्लेन मिरर है, ठीक है बेटा? बहुत अच्छे। लेट अस सपोज वी हैव अ प्लेन मिरर एंड ऑन दैट प्लेन मिरर लेट अस सपोज सम रेज आर फॉलिंग लाइक दिस। ये हमारी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, ठीक है? और ये रे फॉल करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है लाइक दिस। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। बहुत अच्छे। अब आपने क्या किया, थोड़ा ध्यान से, सबसे पहला केस मैं लेने जा रहा हूँ, मेरे पास च्वाइस है कि मैं इंसिडेंट रे को रोटेट करा सकता हूँ। अरे ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा सोर्स है उसको मैं ऐसे ऐसे मूव करा दूँ, टॉर्च है टॉर्च को ऐसे ऐसे करा दूँ, तो ऑब्वियस सी बात है रे हमारी रोटेट कर जाएगी। फिर मेरे पास पॉसिबिलिटी कि मैं मिरर को रोटेट करा दूँ, और फिर मेरे पास तीसरी पॉसिबिलिटी कि मैं मिरर और इंसिडेंट रे दोनों को रोटेट कराऊँ। और हर केस में मात्र एक ही चीज़ पूछी जाएगी कि रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कैसा होगा, व्हाट विल बी द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यही हर बार पूछा जाएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी अपन को समझ में आ जाएंगे चीज़ें। सबसे पहले अपन लोग लेने वाले रोटेशन ऑफ रेज में इंसिडेंट रे का रोटेशन। अपन लोग किसको रोटेट करने वाले हैं? इंसिडेंट रे को। सबसे पहला केस जो है फर्स्ट केस, वहाँ पे क्या लेंगे? रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का रोटेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है? देखते हैं इंसिडेंट रे को रोटेट कराते और फिर देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है? तो लेट अस सपोज कि हमारी जो इंसिडेंट रे है हम इसको इधर की ओर रोटेट करा रहे हैं लाइक दिस। लेट अस सपोज विद एंगल सम फाई, कितने एंगल से रोटेट कराया? फाई एंगल से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है? और ऑलरेडी क्योंकि ये पहले इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल किया होगा, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा रहा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा रहा होगा, ये आपका नॉर्मल रहा होगा। बहुत अच्छे। अब आप ध्यान से देखिए तो अब आपकी नई इंसिडेंट रे कैसे दिखाई देगी? न्यू इंसिडेंट रे विल लुक लाइक दिस। तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि नया रिफ्लेक्टेड रे भी तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ब्रो सिंपल सा लॉजिक है, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ है तो सेम टाइम पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो भी उसको भी तो चेंज होना पड़ेगा, तभी तो I इज इक्वल्स टू R मेंटेन रह पाएगा। क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ बस यही बात तो बोलता है कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। सो उस लॉजिक के हिसाब से आपने जैसा भी इसे रोटेट कराया, आई डोंट नो कितना रोटेट कराया और ये कितना रोटेट करेगा, वो बात अलग है, वो हम बाद में देख लेंगे अभी कुछ देर पहले बाद, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट करेगी। तो लेट अस सपोज मैंने अपने मन से माना कि रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करी है इधर की ओर बाय एंगल अल्फा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, दोनों के नेचर अलग हैं। यदि इसका रोटेशन इधर हो रहा है तो इसका रोटेशन इधर हो रहा है, क्योंकि भाई जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो सेम टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो बढ़ेगा, तभी तो भैया ऐसा थोड़ी होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन घट जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस घटेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी घटेगा, दैट इज द लॉजिक। तो उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हमारे को हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो तो सोचो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा। नया एंगल ऑफ इंसिडेंस नई नॉर्मल और नई इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, और नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नई नॉर्मल, मतलब वही नॉर्मल, नॉर्मल तो वही है क्योंकि मिरर तो चेंज हुआ नहीं है, तो नॉर्मल वही है, नॉर्मल और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। क्लियर है? तो चलो भाई लोग ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे क्लियरिटी आएगी। आई डैश और एन के बीच का एंगल कितना है, ध्यान से देखो, तो ये है आई प्लस थीटा। आई सॉरी क्या लिख रहा मैं, ये समय गांजा ज्यादा हो रहा है यार ना। ये वाला एंगल कितना है? फाई प्लस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, सो फाई प्लस थीटा दैट इज द टोटल एंगल, दैट इज योर एंगल आई,
क्लियर हुआ क्या? नाउ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द टोटल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा. नाउ थीटा से थीटा कैंसिल हो चुका है तो हमारे यहाँ से क्या आ चुका है फाई इज इक्वल्स टू अल्फा, जो कि क्या बता रहा है हमें, जो कि हमें ये बता रहा है कि आपने जितना इंसिडेंट रे को इधर की ओर रोटेट किया होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा इधर की ओर, लेकिन डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है. वेक्टर के टर्म्स में यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो एक का यदि एंगल बाहर की ओर आ रहा तो एक का कहाँ की ओर आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, ये बात का ध्यान रखिएगा. ठीक है, मतलब दोनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन दोनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन वाइज सेम नहीं है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, थीटा का भी एंगल डायरेक्शन हो सकता है यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो तो. ठीक है, तो अब यदि मैं चाहूं तो एक मोमेंट के लिए इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे ही अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी अल्फा बाई डी टी. ठीक है, मैं इसको आगे पुट करना चाहूँ तो फाई मतलब क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये तो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना ब्रो, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे. यदि मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, किसके फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टर के फॉर्म में, तो माइनस साइन इन्वॉल्व करा लूंगा. माइनस साइन क्यों समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि एक का एंगुलर वेलोसिटी बाहर है तो दूसरे वाले का अंदर है, तो माइनस साइन यूज करना पड़ेगा. तो ओमेगा आई इज इक्वल्स टू डी अल्फा बाई डी टी. अल्फा किसका एंगल है, अल्फा किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रिफ्लेक्टेड रे का. मतलब मुझे ये पता चला कि अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रिफ्लेक्टेड रे का है, तो उसको यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टेड रे की. तो बेस्ड ऑन दैट जैसे अपन लोग इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो ये क्या आ गया, ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बट विद नेगेटिव साइन. प्रॉपर यहां पे नेगेटिव साइन यूज करिए, क्या यूज करिए, नेगेटिव साइन, क्या यूज करिए, नेगेटिव साइन. क्यों नेगेटिव साइन यूज किया, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा. नेगेटिव साइन क्यों यूज किया, कुछ तो क्लियर हुआ होगा, पेड़ पौधे के साथ, पेड़ पौधा क्यों बनवाया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भैया ने उसमें पेड़ पौधा बनाने को बोल दिया. ठीक है, तो मैं दोबारा शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. यदि मान लीजिए इंसिडेंट रे इधर की ओर रोटेट की है बाय एंगल थीटा या बाय एंगल फाई, तो सेम टाइम पे रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में बाय एंगल फाई. यदि इंसिडेंट रे इधर की ओर बाय एंगल फाई आई होती तो रिफ्लेक्टेड रे इधर की ओर आई होती बाय एंगल फाई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे को इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equal to angle of reflection, क्योंकि law of reflection fulfill होना चाहिए. चलो ये तो हमें समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, कोई चिंता का विषय नहीं है. नाउ आगे बढ़ते थोड़े ध्यान से, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स थे ध्यान से देखो ये, उन्हीं को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स को जब डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी. लेकिन यदि एक की एंगुलर वेलोसिटी बाहर की ओर है, राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है, यदि एंगुलर वेलोसिटी एक की बाहर की ओर है तो एक की अंदर की ओर है, एक की बाहर की ओर है तो एक की अंदर की ओर है. तो वेक्टर के टर्म्स में यदि एक इधर की ओर वेक्टर है तो इधर की ओर. मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, इसीलिए माइनस साइन आया. हाँ मैग्नीट्यूड वाइज तुम बोले होते तो मैं जरूर कहता कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज बात करेंगे तो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आया. तो हमारा सबसे पहला केस क्लियर हो गया, जब आपका इंसिडेंट रे मात्र रोटेट करती है तब रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट करती है. आई होप कि केस नंबर वन सबको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप सब लोग वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट जरूर किया करिए, मतलब जो भी आपका फीडबैक रहता है, सजेशन रहता है, लेक्चर अच्छा लगा तो अच्छा बड़ा ही करिए, खराब लगा कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर पुट अप करिए. क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, उसके दो रीज़न है. पहला, आपके सजेशन से ही मेरे को आइडिया लगता है कि अगले लेक्चर में और क्या चेंजेस करने चाहिए. और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब में देख रहे होंगे अभी, ठीक है ना, ये और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके कमेंट की वजह से ही वीडियो के नीचे इंगेजमेंट बढ़ता है, वीडियोस में इंगेजमेंट बढ़ता है, ज़्यादा बच्चों के पास तक वीडियोस जाती हैं. तो ये बात का ध्यान रखिए प्लीज़, इस तरह से आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं. नाउ चलिए, तो हम लोगों ने पहला केस तो समझ लिया. नाउ वी विल गो फॉर केस नंबर टू. ठीक है, केस नंबर टू क्या कहता है थोड़ा ध्यान से देखते हैं. ठीक है, केस नंबर टू क्या कह रहा है, केस नंबर टू में मैं जानबूझ के अब क्या लेने वाला हूँ, रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर लेने वाला हूँ. क्या लेने वाला हूँ बच्चे,
रोटेशन ऑफ मिरर, नाउ आई एम गोना टेक रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है। मैं जानबूझ के पहले मैंने इंसिडेंट रे को रोटेट कराया, अब मैं मिरर को रोटेट कराऊंगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, ध्यान से। माना मैंने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेट अस सपोज एक मिरर है, ठीक है, और इस मिरर पे फॉर एग्जांपल कोई भी रे ऐसे फॉल कर रही है, बहुत अच्छे, और ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है लाइक दिस, ठीक है। समझाने वाला हूँ, थोड़ा फास्ट समझाऊंगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने हल्के हाथों से उस मिरर को थोड़ा सा रोटेट करा दिया लाइक दिस, तो मिरर की नई लोकेशन, कुछ नई पोजीशन ऐसे दिखने लगी। मतलब ये देखो ना, आपका मिरर रोटेट कर गया बाई एंगल, लेट अस सपोज फाई, कितने एंगल से रोटेट कर गया मिरर, फाई एंगल से रोटेट कर गया, जो मिरर ऐसा था वो ऐसा हो गया, सो फाई एंगल मिरर रोटेट कर गया। तो यदि मिरर फाई एंगल रोटेट किया, तो सोच के देखो, पहले मिरर का नॉर्मल ये रहा होगा, लेकिन मिरर के रोटेट करते ही मिरर का, जब बेटा पहले नॉर्मल ऐसा था, तो जब मिरर रोटेट किया तो उसका नॉर्मल भी तो रोटेट करेगा, देखो ना, जब मिरर रोटेट करेगा तो उसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा। तो जितने एंगल से तुम्हारा मिरर रोटेट किया, उतने एंगल से तुम्हारा नया नॉर्मल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा लाइक दिस। ये पहले आपका इनिशियली नॉर्मल था, अब ये नई नॉर्मल की पोजीशन एन डैश है, और आपका नॉर्मल भी इधर की ओर कितना रोटेट करके आ चुका होगा, फाई एंगल, कितना एंगल रोटेट कर चुका होगा, फाई एंगल। जितना आपका मिरर रोटेट हुआ, उतना ही आपका नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलो मान लो इनिशियली ये जो इनिशियल नॉर्मल था, उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था थीटा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था थीटा, ठीक है, बहुत अच्छे। नाउ अब नई कंडीशन में फिर से बातें करते हैं, तो ध्यान से देखो। तो मैंने ये माना कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ये थोड़ा सा स्लाइटली रोटेट कर गई होगी लेट अस सपोज, और हमारी ये रे रोटेट करके कुछ ऐसी हो गई होगी, क्योंकि भैया सिंपल सा लॉजिक है, रिफ्लेक्टेड रे को इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। तो मान लो ये रोटेट कर गया, लेट अस सपोज आई डोंट नो कितने एंगल से रोटेट किया, तो मैंने इसको फाइव की बजाय अल्फा मान लिया, कितना एंगल मान लिया अल्फा, ठीक है। अब फिर से नई कंडीशन पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो इक्वल होने चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पक्का वाला। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू, यदि एंगल आर होना चाहिए, तो उस लॉजिक के हिसाब से इफ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, उस लॉजिक के हिसाब से ध्यान से देखना, थीटा और फाई ये दोनों मिल करके अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे हैं। कैसे, इंसिडेंट रे और नए नॉर्मल के बीच का एंगल, वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो ये टोटल एंगल कितना है, देखो ये टोटल एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई, सो योर न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा प्लस फाई। नाउ नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये पुरानी वाली नॉर्मल थी, अब इससे एंगल काउंट नहीं करना है, नई वाली नॉर्मल से नए रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, नई वाली नॉर्मल से नए रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, नई वाली नॉर्मल से नए रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ठीक है। तो नई वाली नॉर्मल कौन है, एन डैश है, और नया वाला रिफ्लेक्टेड रे कौन है, ये आर डैश, दिस आर डैश, इनिशियली इट वॉज आर, ठीक है ना। आई तो इस बार फिक्स है, आई आपने मूव ही नहीं कराया, ओनली मिरर रोटेट कराया ना। तो चलो ना ध्यान से, ये एंगल और सॉरी ये रे और ये रे, इन दोनों के बीच का एंगल मांग रहा मेरे से। तो ये टोटल एंगल यदि मेरे को निकालना है, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस टोटल एंगल, तो उसके लिए मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा और ये वाला। तो ये वाला एंगल तो पहले ही मैंने अल्फा मान रखा है, बस ये वाला एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा मेरा। तो ये वाला एंगल कितना है, ध्यान से देखो, ये एंगल देखो ध्यान से, ये टोटल थीटा था, ये कितना था थीटा, ये कितना था थीटा, ये देखो येलो कलर से लिखा हुआ है थीटा, ठीक है, ये कितना था थीटा, और ये कितना है फाई, नॉर्मल कितना अंदर आ गई है फाई, तो ये कितना बचा अभी, ये एक्चुअली बचा थीटा माइनस फाई, क्योंकि टोटल एंगल है थीटा, उसमें से ये एंगल फाई निकल गया, तो कितना बचा थीटा माइनस फाई। तो ये टोटल एंगल कितना आएगा बेटा, ये टोटल एंगल कितना आएगा, ये नई नॉर्मल और नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच का नया एंगल कितना आएगा, थीटा माइनस फाई प्लस, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, थीटा माइनस फाई प्लस दिस एंगल अल्फा। क्लियर हुआ क्या, सो दिस इज योर न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज योर न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ थीटा से थीटा कैंसिल हो चुका है, ये फाई उधर चला गया, सॉल्व होकर क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू टू फाई,
ये क्या बता रहा बच्चे, ये आपको बता रहा है कि यदि आपने मिरर को फाई एंगल से रोटेट कराया, कितने एंगल से रोटेट कराया है, फाई एंगल से रोटेट कराया है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगी, 2 फाई से, कितने से रोटेट करेगी, 2 फाई से। फिर से, यदि आपने मिरर को फाई एंगल से रोटेट कराया है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगा, 2 फाई से। सो अभी 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 थोड़ा सा दोबारा फिर बातें करेंगे, समझ लीजिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। देखो जो बच्चे नीट के हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको यदि ये कैलकुलेशन नहीं भी आ रही तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको ये रिजल्ट आना चाहिए। फिर भी नो डाउट मेरा ये कहना है कि यार फिजिक्स यदि समझ में आ रही है तो इसको समझना चाहिए, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या लॉजिक लगाया, बस समझा रहा हूँ, फिर से एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन किया दे रहा हूँ। ये इनिशियल नॉर्मल थी, ये इंसिडेंट रे थी, ये एंगल थीटा था, ये इनिशियल नॉर्मल थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये एंगल थीटा था, तब थीटा थीटा बराबर थे। बाद में आपने मिरर रोटेट कराया तो मिरर के साथ आपकी नॉर्मल भी रोटेट कर गई, तो नॉर्मल जब अंदर आ गई तो रिफ्लेक्टेड रे और बाहर भागेगी, जिससे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर कर सके। तो लेट अस सपोज रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट कर गई, अल्फा एंगल, कितना रोटेट कर गई, अल्फा एंगल। अब सोच के देखो, सोच के देखो, तुम्हारा नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो चुका होगा, नई नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, तो नई नॉर्मल ये है, देखो ना एंड एस रेड कलर की, तो ये एंगल फाई और ये एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, थीटा प्लस फाई। अच्छा, नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, नई नॉर्मल, ये जो एंड एस दिख रही रेड कलर की और ये जो ग्रीन कलर की नई आर डैस है, इन दोनों के बीच का एंगल। अच्छा, इंसिडेंट रे रोटेट नहीं करी थी लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तो रोटेट कर गई ना, तो नई रिफ्लेक्टेड रे और नया नॉर्मल उनके बीच का जो एंगल है, दैट इज न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला चाहिए, तो ये वाला तो हमने ऑलरेडी मान रखा है, देखो इसको तो हमने ऑलरेडी मान रखा है अल्फा, बस ये वाला बन जाए तो काम बन जाएगा। तो ये टोटल एंगल थीटा है, टोटल कितना है, थीटा, ठीक, इसमें से ये फाई अंदर आ गया है, तो ये बचा कितना, थीटा माइनस फाई, तो थीटा माइनस फाई प्लस अल्फा, दैट इज योर न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों को इक्वेट कराया, सॉल्व किया, अल्फा इक्वल टू 2 फाई आ गया। मतलब मुझे ये पता चला, यदि इंसिडेंट रे को रोटेट कराता बाई एंगल थीटा या फाई इधर की ओर, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर की रोटेट करती बाई एंगल अल्फा या फाई, जो भी एक्स वाई, ठीक है। लेकिन यदि मिरर को रोटेट कराइएगा बाई थीटा या फाई एंगल जो भी है, तो उसके डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगी उसी डायरेक्शन में। देखो ना, तुम्हारा मिरर इधर रोटेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही रोटेट हुई है, तुम्हारा मिरर इधर रोटेट हुआ है तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे भी इधर ही रोटेट हुई है, ठीक है, लेकिन डबल एंगल से, कितने से, डबल एंगल से, ठीक है। अब यदि मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, अच्छा इस बार माइनस साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मिरर भी ऐसे रोटेट हो रहा है और आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे रोटेट हो रही है, तो इस बार कोई माइनस प्लस का चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार क्यों जरूरत थी, क्योंकि यदि इंसिडेंट रे ऐसे रोटेट कर रही थी तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रोटेट कर रही थी, इसलिए वहां माइनस प्लस का लोचा आया था, बट यहां पे ऐसा नहीं है। सो डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ही डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, डी अल्फा by dt is equal to 2 times of d phi by dt। अब हम सब जानते हैं अल्फा किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रिफ्लेक्टेड रे का, फाई किसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मिरर का, तो जिसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो सिंपल सा लॉजिक है, डी अल्फा बाई डी टी क्या आ चुका है हमारा, दैट इज ओमेगा आर वेक्टर, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 times ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर हुआ क्या, ये आपके पास फिर से रिलेशन आ चुका है पेड़ पौधे के साथ। क्लियर हुआ क्या, मतलब मुझे समझ में आ गया कि यदि मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, यदि मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे की कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेम डायरेक्शन में, किस में, सेम डायरेक्शन में, यदि मिरर ऐसे रोटेट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे रोटेट करेगी। हाँ, यदि आपकी इंसिडेंट रे ऐसे रोटेट की होती तब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रोटेट कर रही होती। समझ में आया कि नहीं आया, इंसिडेंट रे के अपोजिट रोटेशन होता है और मिरर के डायरेक्शन में ही होता है, जैसा मिरर रोटेट करेगा वैसे ही आपका रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करता है। क्लियर हुआ, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो जो बच्चे जेई के हैं उनको तो पूरा रिजल्ट समझ में आना चाहिए, उनको दोबारा खुद से कॉपी में करना भी चाहिए, नो डाउट नीट वालों को भी करना चाहिए, लेकिन एक बार यदि नीट वाले बच्चे इन रिजल्ट्स को अपने माइंड में भी रखेंगे तो एक बार वो बच के निकल जाएंगे, लेकिन जेई वाले नहीं, जेई वालों को पूरा कॉन्सेप्चुअली समझने की जरूरत है। और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिटेल में बार बार वही चीज समझा दिया हूं। एक्चुअली हुआ क्या है, ये 2 times अंतर क्यों आया है, क्योंकि
ये फाई एंगल अंदर आ गया है, तो फाई एंगल अंदर आने की वजह से इंसिडेंट एंगल और बढ़ गया है, और सेम टाइम पे उधर रिफ्लेक्टेड रे फाई कम हो गया था, तो उसको 2 फाई बढ़ना पड़ेगा जिससे कि वो फाई नेट प्लस पे आ पाए। जैसे ऐसे समझो कि ये बीचों बीच एक आदमी खड़ा है, ठीक, इधर एक आदमी 5 मीटर की दूरी पे, इधर एक आदमी 5 मीटर की दूरी पे है, और मान लो इन दोनों को दूरी अपनी बराबर रखनी है बीच वाले पॉइंट से, ठीक है। अब ये आदमी इधर की ओर आ जाए, मान लो ये आदमी इधर की ओर आ जाए 1 मीटर, तो उस आदमी को कितना खिसकना पड़ेगा कि डिस्टेंस बराबर हो। तो मैंने कहा देख भाई, तू यदि 1 मीटर खिसका है ना, तो उसे 2 मीटर खिसकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देख शुरुआत में पाँच पाँच था। एग्जाम्पल ऐसे समझ, शुरुआत में ये था बीच वाला पोजिशन, ये डिस्टेंस था 5 और ये भी था 5। अब ये इधर आ गया, 1 अंदर आ गया खिसक के, तो नई पोजीशन कैसे दिखने लगी? नई पोजीशन ये मिरर हो गई तेरी, ये जो भी एक्स वाई जेड, तो ये डिस्टेंस हो गया अब 6, क्योंकि ये 1 मीटर इधर की ओर आ गया, 1 मीटर, ठीक है। और ये कितना बचा, ये कितना बचा, ये तो 4 ही बचा ना, तो इसको यदि इसको भी अपने आप को 6 करना है, तो सेम टाइम पे इसको कितना खिसकना पड़ेगा इधर आने के लिए? 2 मीटर खिसकना पड़ेगा जिससे कि 6 हो। तो हमें क्या दिख रहा है कि यदि मिरर 1 मीटर खिसक रहा है तो उसको 2 मीटर खिसकना पड़ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे है कि यदि मिरर तुम्हारा फाई एंगल रोटेट कर रहा है, मतलब नॉर्मल यदि फाई एंगल रोटेट कर रहा है, तो तुम्हारे रिफ्लेक्टेड रे को 2 फाई रोटेट करना पड़ रहा है। क्लियर हुआ क्या? और आई होप कि अभी तो यार इस एग्जांपल से समझ में भी आ गया होगा ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने सीखा अभी, उसका हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करके और कुछ केसेस देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा ध्यान से अच्छे से, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये कोई मिरर है, इसके ऊपर ऐसे एक इंसिडेंट रे रोटेट कर फॉल कर रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यदि लेट अस सपोज इसकी एंगुलर वेलोसिटी इधर की ओर है ओमेगा, कितनी है ओमेगा, इंसिडेंट रे की है कितनी ओमेगा, ठीक है। और मान लो मिरर भी इधर की ओर रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा, कितने से रोटेट कर रहा है 2 ओमेगा, मिरर इज गेटिंग रोटेटेड विद 2 ओमेगा, इंसिडेंट रे इज गेटिंग रोटेटेड विद ओमेगा। तो क्वेश्चन ये है कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या आएगा? मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, पहला ओमेगा, दूसरा 5 ओमेगा, तीसरा 4 ओमेगा और चौथा 2 ओमेगा, ठीक है। एक बार आप अच्छे से सोच लीजिए कि क्या इसमें से करेक्ट आंसर हो सकता है। आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं और फिर सोच सकते हैं। देखो यार, जो तुमने 2 केसेस सीखे, यदि उनका एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हो, देन ओनली ऑब्वियस सी बात है कि तुम सही जगह पे हो, तब तुमने सही चीज़ें सीखी है, जब तुम उसका एप्लीकेशन यूज़ कर पाओ। तो हम लोग वही करते। चलो देखो, अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, कुछ देर पहले हमने ये सीखा था कि इंसिडेंट रे का जो रोटेशन होता है उसके अपोजिट होता है रिफ्लेक्टेड रे का, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है। याद आया क्या? ये देखो, ये वाला केस, यदि ये इधर ओमेगा से गया था तो ये इधर की ओर ओमेगा से जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे, मान लिया मैं। तो उस लॉजिक के हिसाब से यदि ये हमारी इंसिडेंट रे इधर की ओर ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी? ओमेगा से इधर की ओर। ये तो हो गया किसकी वजह से? इंसिडेंट रे की वजह से, बहुत अच्छे। अब बात करते हैं मिरर की वजह से क्या हो रहा होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मिरर जितने से रोटेट करता है उसके 2x एंगुलर वेलोसिटी से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करती है सेम डायरेक्शन में। तो उस लॉजिक के हिसाब से यदि ये इधर की ओर रोटेट कर रहा विद 2 ओमेगा, तो इसका 2x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 ओमेगा। तो इसकी नेट एंगुलर वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है? नेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रही है, दैट इज ओमेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 ओमेगा, दैट इज 4 ओमेगा। बोले तो रिजल्ट इज 5 ओमेगा। ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 5 ओमेगा। 5 ओमेगा इज द आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज द वे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। देखो, मैंने अभी आपको पार्ट बाई कराया, एक पार्ट दिया, दूसरा पार्ट दिया, और अभी मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने दोनों पार्ट्स को मर्ज करके वो क्वेश्चन दे दिया आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। मान लो ये मिरर है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, बहुत अच्छे, ये इधर क्यों रोटेट कर रहा है विद 2 ओमेगा, ठीक है, और ये इधर क्यों रोटेट कर रही है ओमेगा से, कितने से हो ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा कितना आएगा, रिफ्लेक्टेड रे का ओमेगा कितना आएगा? ऑप्शन भी दे रहा हूँ मैं, पहला ओमेगा, दूसरा
थ्री ओमेगा, चौथा ज़ीरो, पांचवा मतलब चौथा सॉरी चौथा फाइव ओमेगा, और फिर लो पांचवा भी दे दिया भाई, नन ऑफ दिस। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, कमेंट करके बताइएगा, या फिर मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि इस केस का भैया ये आंसर था। गॉट इट? सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप क्लियर हैं। चलिए अभी हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखो, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर इतना ज़्यादा हमें डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं। मान लो जैसे जेई वाले बच्चों को तो ये बोलने का ऑप्शन भी नहीं है कि डिटेल में क्यों कराते हैं या कुछ भी ऐसा, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं वो कई बार ऐसा उनके मन में रहता है कि हमें इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो भाई, हमें थोड़ी एग्ज़ाम में ये सब पूछेगा। तो ब्रो थोड़ा ध्यान से एक क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, पहले उस क्वेश्चन को सुन लो अच्छे से, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन को सुनो और फिर अपन उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 2017 में नीट में आया हुआ था, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सोर्स फुल स्टॉप। द बीम आई रिफ्लेक्टेड बैक एज आई स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। नाउ When the mirror is rotated through angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale. Then the angle theta will be given by. ठीक है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन है। अभी मैं इसको इसमें बना के दिखाता हूँ बोर्ड में अच्छे से। सोच के देखो ना, रोटेशन ऑफ रेस का ही क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? मिरर को रोटेट करा रहा है और ब्राइट स्पॉट के बारे में सारी चीज़ें पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहा है? उसने बोला है कि मान लीजिए एक ऐसा मिरर है, बहुत अच्छे, और लेट अस सपोज यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है, और पहले उसने लाइट रे परपेंडिकुलरली सीधा ऐसे फॉल कराया। तो जब तुम परपेंडिकुलरली सीधा फॉल कराओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो है, तो रे उसी पाथ पे वापस लौट गई और वहीं पे उसने इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा है। बोला ना उसने, द बीम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस एक्स। ये डिस्टेंस कितना है? एक्स है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? नाउ द बीम रिफ्लेक्टेड बैक एज आई स्पॉट ऑन द स्केल प्लेस जस्ट अबव द एल, मतलब उसी के ऊपर जस्ट पहुंच गई, ठीक है। अब आगे बोल रहा, मिरर को रोटेट करा दिया बाई स्मॉल एंगल थीटा। अब मैं मिरर को रोटेट करने वाला हूँ लाइक दिस बाई एंगल थीटा। तो जब मैं मिरर को बाई एंगल थीटा रोटेट कर दूंगा तो नया फिगर कैसा दिखाई देगा? ये हमारा सोर्स है, फिर से वही है, लाइट रे ऐसे आ रही है, लाइट रे तो वैसे ही आएगी जैसे पहले आ रही थी, लेकिन इस बार मिरर की लोकेशन थोड़ी चेंज हो चुकी है। नाउ मिरर विल लुक लाइक दिस। क्लियर है? मिरर अपनी पोजीशन से, एक्चुअल पोजीशन से ध्यान से देखो तो कितना एंगल रोटेट कर चुका है? थीटा एंगल रोटेट कर चुका है, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी। ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे जो आपने स्क्रीन लगा रखी है, सोर्स के ऊपर स्क्रीन लगा रखी है लाइक दिस, ठीक है। तो जो लाइट रे आ रही थी पहले ऐसे, पहले तो नो डाउट इसका नॉर्मल ऐसे था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो था, लेकिन इस बार सोच के देखो अब मिरर का नॉर्मल कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो तुम देख के बता सकते हो, यू कैन लाइक से ब्लाइंडली, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा थीटा है, ठीक है। तो रे जब तुम्हारी थीटा एंगल पे फॉल की है तो इट्स अ वेरी क्वाइट लॉजिकल थिंग कि थीटा एंगल पे रे फॉल कर रही है। देखो ना, नॉर्मल से ये तुम्हारा नॉर्मल है, नॉर्मल से थीटा एंगल पे रे फॉल कर रही है तो थीटा एंगल पे ही दोबारा चली जाएगी वो, लाइक दिस थीटा एंगल पे आई है और थीटा एंगल पे चली जाएगी और यहाँ पे जाके ब्राइट स्पॉट बनाएगी। इस बार ब्राइट स्पॉट कहाँ दिखाई देगा आपको? कुछ यहाँ दिखाई देगा। जो ब्राइट स्पॉट पिछली बार आपके ऊपर ही बना था वो इस बार आपके ऊपर ना बन के कहीं और बन रहा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पहले मिरर ऐसा था तो लाइट रे ऐसे आकर के टकरा के वापस यहीं पे जा रही थी, लेकिन इस बार तुमने मिरर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो लाइट रे ऐसे आकर टकराई तो, लेकिन अब ऐसे थोड़ी जाएगी, अब वो ऐसे जाएगी ना, क्योंकि नॉर्मल इस बार, पिछली बार नॉर्मल इसका ऐसा था, इस बार इसका नॉर्मल ऐसा है, तो तुम थीटा पे आए हो तो थीटा पे जाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो उस लॉजिक के हिसाब से इस बार आपका ब्राइट स्पॉट यहां बनेगा। और उसने बता रखा है कि दिस डिस्टेंस इज वाई, तो उसने वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये लेंथ कितनी है? एक्स है,
वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में उसने क्या मांगा है आपसे, वाई और एक्स के रिस्पेक्ट में उसने आपसे थीटा मांगा है, क्लियर है। और उसने बता रखा है कि स्मॉल एंगल थीटा, मतलब ये थीटा बहुत बड़ा नहीं है, थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो यदि मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कट करूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दिस लेंथ इज एक्स, दिस लेंथ इज वाई एंड दिस एंगल इज टू थीटा। कैसे? थीटा प्लस थीटा, ठीक है। क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो मैं ऐसा लिख सकता था क्या, टैन टू थीटा फ्रॉम द ट्राइंगल, टैन टू थीटा फ्रॉम द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज वाई अपॉन एक्स। और साथ में क्योंकि उसने बता रखा है कि थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल तो इसका मतलब टू थीटा, हम कभी भी, देखो एक बात याद रखना, यदि कभी भी थीटा छोटा होता है तो टेन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो ठीक उस लॉजिक के हिसाब से हम टेन थीटा को टू थीटा लिख सकते थे अब, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो टू थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो हमने इसको सॉल्व किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वाई अपॉन टू एक्स। कितना आ गया थीटा का वैल्यू बेटा, वाई अपॉन टू एक्स। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए, वाई अपॉन टू एक्स दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब सोच के देखो, कोई रॉकेट साइंस था, कोई ऐसा लाइक बहुत भयानक क्वेश्चन था क्या? कुछ नहीं, बस आपको समझना था कि आपका मिरर रोटेट कर रहा है बाई एंगल थीटा। तो देखो आप अभी पढ़े हो, कुछ देर पहले बताया था, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, देखो 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 छोटू लोग, इधर देखो, अभी पढ़ाया था, यदि मिरर रोटेट करता है बाई एंगल फाई तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करती है, बाई टू फाई। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ तुम्हारा मिरर रोटेट किया बाई एंगल थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट कर गई, टू थीटा से रोटेट कर गई। जो रिफ्लेक्टेड रे पहले ऐसे आ रही थी, ऐसे जाके और ऐसे आ रही थी, अब वो ऐसे जाके ऐसे ना आने की बजाय इधर चली गई, क्योंकि आपने मिरर को थीटा से रोटेट कराया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट कर गई, टू थीटा से रोटेट कर गई। तो ये एंगल टोटल कितना आ गया, टू थीटा आ गया, ठीक है। और हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल लगा दिया, कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, वाई अपॉन एक्स दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टैन टू थीटा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल रखा है स्मॉल थीटा, इसीलिए टैन टू थीटा को हम टू थीटा बोल सकते थे, टू उधर चला गया, वाई अपॉन टू एक्स दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब सोचो, ये कोई 100 साल पहले नहीं आया था, ये नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ये क्या दिखाता है, अब सोच के देखो ना, कि कुछ लोग सोचते होंगे कि इतना सब पढ़ाने की क्या जरूरत होती है, ठीक है ना। यार बच्चों का काटना एक बात अलग है, बच्चों का काटना है तो आसानी से काट दो, क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, ठीक है ना। मैंने ये देखा है, मैंने इंडिया के मैक्सिमम टाइम, मतलब मैंने बहुत सारे टीचर्स को ये चीज़ देखा है कि वो ये ऐसा स्किप करके बोल के निकल जाते हैं कि अरे ये नहीं आएगा, अरे वो नहीं आएगा, ये तो तुमसे आता होगा, वो तो तुमसे आता होगा, ऐसे करके निकल जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखी है भाई, बच्चे से सब आ रहा होता तो बच्चा तेरी क्लासरूम में क्यों आया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि बेटा बच्चे का तुम कितना भी काट लो कि अरे ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, एग्ज़ाम हॉल में गलती से आ गया ना, तो उस बच्चों की बददुआएं लगती हैं फिर। इसीलिए मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, कि आपने यदि कभी इजी इजी चीज़ें पढ़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कोसिए, आप अपने टीचर्स को कोसिए जिन्होंने आपको नहीं पढ़ाया। क्योंकि मैंने कई बार रिपीट करने वाले बच्चों को ये चीज़ देखते हुए, मतलब ऐसा बिहेव करते हुए देखा है, वो क्या बोलते हैं, अरे सर इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे, क्या ज़रूरत है, अरे इतना क्यों पढ़ाना, इतना क्या ज़रूरत है, इतना क्या नीड है। अरे भाई सच बताऊँ तुझे, नीड है, क्योंकि तूने पहले नहीं पढ़ा, इस वजह से तेरा अच्छा रैंक या अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा, लेकिन अब तो पढ़ ले भाई। तेरे पहले किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं ना कि तू दूसरे आने वाले अच्छे टीचर को भी जज करेगा। तो ये बात ध्यान रखो, ये ऑलवेज ये बात ध्यान रखो, ठीक है। चलो, बाय द वे आई होप कि ये क्वेश्चन अभी क्लियर हो चुका है, ये पी वाई क्यू है ऑलरेडी, ठीक है ना। और जो बच्चे जेई मेन में हैं वे भी ये बात समझ जाएं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी नीट में रिपीट होता, सॉरी जेई मेन में रिपीट होता हुआ मिल सकता है, ये बात का ध्यान रखिए। गॉट इट? सो दिस वाज द थिंग जो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ रेज से रिलेटेड देखी, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है जो मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन है जो मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये क्वेश्चन नीट वाले बच्चों को नहीं करना हो तो भी चलेगा। नीट वाले बच्चे यदि इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो भी चलता है, लेकिन जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे जेई के लिए क्लासेस ले रहे हैं, उन बच्चों को ये बात समझना चाहिए कि ये क्वेश्चन उनसे आना चाहिए। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के नीचे एक ऐसा मिरर लगा हुआ है लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे लाइट रे आ रही है, लेट सपोज टॉर्च आपने मारी, तो जब टॉर्च आपने ऐसे मार रखी है
तो टॉर्च की वजह से लाइट रेज आ रही हैं। लेट अस सपोज अ लाइट रेज कमिंग लाइक दिस, और वो लाइट रे यहाँ पे जाके टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ क्या बना रही है, वो ब्राइट स्पॉट क्या फॉर्म कर रही है बेटा, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, बहुत अच्छे। अ ब्राइट स्पॉट इज गेटिंग फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। ओके, बहुत अच्छे। दिस डिस्टेंस इज गिवेन टू बी एक्स, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है उसने, पहले से बता रखा है दिस डिस्टेंस इज एक्स। और किसी जनरल वक्त पे, किसी जनरल वक्त पे आप मिरर को रोटेट करना चालू कर दिए लाइक दिस, मिरर स्टार्टेड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से आपने मिरर को रोटेट करना चालू कर दिया। तो क्योंकि जब मिरर को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे नीचे की ओर रोटेट करेगी, जिसकी वजह से ये ब्राइट स्पॉट यहाँ से भाग के नीचे की ओर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट नॉट, लाइक दिस दैट ब्राइट स्पॉट विल मूव डाउनवर्ड। क्लियर है, बहुत अच्छे। सो जिस किसी वक्त ये एंगल 60 डिग्री होगा, जिस किसी वक्त भी ये एंगल 60 डिग्री होगा, उस वक्त ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट क्या होगा। और देखो बहुत सिंपल है, मैं हिंट दिए दे रहा हूँ आपको। हिंट ये है कि ये लेंथ वाई लिख लो, ये लेंथ एक्स लिख लो, और किसी वक्त पे एंगल थीटा मान लो, अभी इसको 60 मत मानो, थीटा मानो, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा हो गया। नाउ दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy वाई बाई डी टी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्राइट स्पॉट इन टू इज इक्वल्स टू एक्स इन टू टेन थीटा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ गया, लेकिन जब टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि थीटा वेरिएबल है इस बार। ठीक है ना, ये जो थीटा ये चेंज हो रहा होगा ना बेटा, जब ये नीचे की ओर आएगा तो थीटा घटेगा, तो जब टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा d थीटा बाई dt। क्लियर है, जिसकी वैल्यू आप लोग लिखेंगे 2 ओमेगा। क्यों लिखेंगे 2 ओमेगा, क्योंकि मिरर यदि ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट करेगी, 2 ओमेगा से। ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ पुट करिए क्योंकि थीटा इज डिक्रीजिंग, और जैसे ही पुट कराएंगे थीटा की वैल्यू 60 तो आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द हिंट विद विच यू कैन गो। ओके, लेकिन आई होप कि ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, एक बार घर में सॉल्व कर सकते हैं। नीट वाले बच्चे इस क्वेश्चन को एकदम स्किप कर दें, बस सुन लिया आपने, ठीक है, कि ऐसा कुछ हो सकता था। एक्चुअल में टॉर्च फिक्स है, टॉर्च नहीं रोटेट कर रही है, आप मिरर को रोटेट कर रहे हो। जैसे आपने देखा होगा ना कि सूरज से जो रोशनी आती है उसके सामने आप एक शीशा लगा के ऐसे रोटेट कराते तो ब्राइट स्पॉट मूव करता है आगे पीछे, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ये पर्टिकुलर मिरर को रोटेट कर रहे हैं जिस वजह से ब्राइट स्पॉट ऐसे। अभी यदि इस मिरर को ऐसा रोटेट करना चालू कर दो तो ब्राइट स्पॉट ऊपर जाना चालू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हमारा एक बहुत ही बेसिक सा कॉमन लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत अच्छे। वी गॉट टू नो कि भैया रोटेशन ऑफ रेज क्या होता है, रोटेशन ऑफ रेज कैसे रोल प्ले करता है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा, एक अच्छा क्वेश्चन देखा, उसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया। चलिए, ये सब चीजें तो हो गई, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज़, ये थोड़ा सा क्वाइट इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, या फिर ये सही समझ लीजिए कि जस्ट से फ्रॉम सेक ऑफ थ्योरी में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जनरली आपसे दो केसेस होते हैं इंसिडेंस के, दो स्पेशल केस होते हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए हर वक्त, दो स्पेशल केस। एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, एक होता है आपका नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर है, नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, कोई भी मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आपकी रे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी लाइक दिस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, और ध्यान से देखो, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है तो रे जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस लौट जाएगी लाइक दिस। क्लियर है, सो दिस इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब रे जो है वो आपके रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस थी, ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कैसे टकरा रही है, परपेंडिकुलरली, कैसे टकरा रही है, परपेंडिकुलरली। तो इस केस का हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कितना बोलते हैं, इस केस का डेविएशन बोलेंगे 180 डिग्री, मतलब रे जिस पाथ से आई है टकराई और उसी पाथ पे वापस आ गई, जिस पाथ पे टकराई, जिस पाथ से आके टकराई रे उसी पाथ पे वापस आ गई। क्लियर हुआ क्या ये बात, सो दिस इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर इतनी छोटी सी चीज़ है ये हमें क्यों बता रहे हो आप। एक्चुअली क्या हुआ था बेटा कि किसी साल तो जेई के क्वेश्चन में
क्या लिख दिया था, एक वर्ड लिख दिया था ग्रेजिंग इंसिडेंस, क्या लिख दिया ग्रेजिंग इंसिडेंस, या फिर ऐसे लिख दिया कि बॉडी इज ग्रेजिंग अलोंग अ ग्रेजिंग अलोंग सरफेस। ठीक है, अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है उस वर्ड का मीनिंग, तो वो एग्जाम हॉल में तो जाके फंस ही जाएगा ना, उसे लगेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट कमजोर है और एक्चुअल में क्या कमजोर है, वहाँ पे थ्योरी पार्ट कमजोर हो गया थोड़ा सा। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमसे कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए, लेकिन साथ में यदि कोई बेसिक कीवर्ड है जो थोड़ा हट के है तो हमें वो भी आना चाहिए। तो यदि आज के बाद कभी किसी ने बोला कि लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली, या फिर बोला वी आर गोइंग टू हैव द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि रे इज गोइंग टू स्ट्राइक परपेंडिकुलरली टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, दैट मीन्स योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर गोइंग टू बी 0-0 degree एंड द रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब जाके टकराएगी और वापस उसी पाथ में आएगी। बोले तो एंगल ऑफ डिवीजन 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ क्या? बहुत अच्छे ना। दूसरा केस होता है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी रे है वो सरफेस के अलोंग आती है। क्या बोला मैंने? जो रे है वो आपकी सरफेस के अलोंग आती है, लाइक दिस। ठीक है, रे सरफेस के अलोंग आएगी और उसी पाथ में चली जाएगी वापस, मतलब उसी पाथ में, सॉरी वापस नहीं, उसी पाथ में चली जाएगी बिना डेविएशन के। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों कितने हैं? 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90। क्लियर हुआ क्या? सो जब कभी वो बोले ग्रेजिंग इंसिडेंस, क्या बोले? ग्रेजिंग इंसिडेंस, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सरफेस के अलोंग आई है रे। यदि ये सरफेस है तो आपकी रे ऐसे आई है। ठीक है, और यदि बोला नॉर्मल इंसिडेंस, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि यदि सरफेस ऐसी है तो रे ऐसे आई है। क्लियर हुआ क्या ये बात? जब उसने बोला नॉर्मल इंसिडेंस तो मतलब ऐसे है, जब उसने बोला ग्रेजिंग इंसिडेंस तो इसका मतलब ऐसे। क्लियर हुआ क्या? सो मुझे एक बहुत ही बेसिक सी बात समझ में आ गई कि नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ डिवीजन कितना है? 180 डिग्री, और ग्रेजिंग इंसिडेंस में कितना है? तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में है 0 degree, क्योंकि ध्यान से देखो तो रे जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे सीधे जा रही है, तो हम इसको बोल सकते थे 0 degree। और एग्जाम हॉल में यदि एक ऑप्शन और दिखे तो वो भी सही माना जाएगा। यदि मान लो वहाँ पे दिखाई देता है 360 degree, तो आपको समझ जाना है कि वो भी सही है। क्यों ऐसा? अब मैंने आपको यदि याद हो तो लास्ट क्लास में दो तरह के एंगल ऑफ डिवीजन बताए थे, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज। मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि सीधा जा रही है, या फिर ये भी मान सकता हूँ कि रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएशन होता है ना, तो रिफ्लेक्शन की वजह से इतना डेविएशन हो गया कि रे अपने पाथ में दोबारा चली गई, रे अपने पाथ में दोबारा चली गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो भैया टोटल कितने का डेविएट कर गई रे? 360 डिग्री का। क्योंकि भैया रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि डेविएशन इन द पाथ ऑफ ऑन द पाथ ऑफ रे। अब क्योंकि रे हमें सेम पाथ में जाती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी बोलेंगे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 360 डिग्री का रिफ्लेक्शन हो गया, 360 डिग्री का डेविएशन हो गया, जिसकी वजह से रे आई सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई और सेम पाथ पे चली गई। ठीक है ना, तो आप 0 degree आंसर बोलेंगे तो भी सही माना जाएगा, 360 बोलेंगे तो भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, और देखो यार मेन मुद्दा ये है कि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये जो क्वेश्चन है इसको तो करते रहिएगा, ये वाला क्वेश्चन तो कर लीजिएगा कि PYQ में आया हुआ है। आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये रिजल्ट्स आपके माइंड में रहें। कौन से रिजल्ट्स? एक ये वाला रिजल्ट कि यदि मिरर का रोटेशन हुआ है बाई एंगल फाई, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 phi से रोटेट करेगी सेम डायरेक्शन में, और यदि इंसिडेंट रे का रोटेशन हुआ है बाई एंगल फाई, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी रोटेशन एंगल फाई से ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने अच्छी खासी चीज़ें कवर कर ली। आज हम लोगों ने जो अच्छे से समझा उसमें हम लोगों ने रोटेशन ऑफ रेज देखा, उससे रिलेटेड वेरिएशन देखे, उससे रिलेटेड हमने PYQ और क्वेश्चन करे, और साथ में 2 special केसेस समझे, ग्रेजिंग इंसिडेंस और नॉर्मल इंसिडेंस के। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के नोट्स अच्छे से बनाइए, एक बार रिवाइज करिए, और अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रिट्रेसिंग ऑफ पाथ, रे रिट्रेसिंग इट्स ऑन पाथ। क्लियर है, तो अपन लोग वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। सो यदि YouTube में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।